तो आज का वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा नॉलेज शेयर करता हूँ। तो देखो, इस वीडियो में बेसिकली कुछ भी नहीं है, पर जो सच में मेरा वीडियो दिल से देखते हो एंड तक, उनके लिए ही ये वीडियो है। तो एक वीडियो दे के जा रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर आप कभी भी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में पड़ जाते हो तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत केस मेरे पास ऐसे आते हैं, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम दिखता है, पर उसका वीडियो मैंने कभी भी नहीं डाला था, क्योंकि ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है, 1 सेकंड का प्रॉब्लम। पर इसमें ना तो कुछ बाईपास करूँगा ना कुछ करूँगा, बस प्रॉब्लम को दिखाऊँगा। ये आप एक बार वीडियो जिसको भी मिल जाएगा तो वो ज़िंदगी भर याद रहेगा, ख़ास करके जो लोग ये यूनिवर्सल डिबग कार्ड यूज़ करते हो, कोई भी सीरीज़ का, ये वाला हो या फिर 631 वाला हो, जो भी हो। तो देखो, अभी प्रॉब्लम को दिखाते हैं। पावर दिया, ट्रिगर दिया, बोट को फॉलो करो। रैम का एरर है। अभी कुछ लोग सोचेगा कि भाई स्लॉट का इशू हो सकता है। ये प्रॉब्लम में आप कब पढ़ोगे, थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। और ये किसी भी मॉडल का बोर्ड से हो सकता है, किसी भी मॉडल का, मतलब 100 सीरीज़ से लेके ये प्रॉब्लम आपको फेसिंग होगा। 100 सीरीज़ से नीचे कुछ कुछ बोर्ड में होगा, 81 सीरीज़ का और 61 सीरीज़ का। उससे नीचे वाला जो बोर्ड होता है, 41 चिपसेट का, 945 चिपसेट का, 55 चिपसेट का या फिर 31 चिपसेट का, इस बोर्ड में ऐसा प्रॉब्लम फेसिंग नहीं होगा। पर 81 से लेके 700 600 तक सीरीज़ का कोई भी बोर्ड हो तो ऐसे प्रॉब्लम आपको फेसिंग होगा। अगर आप इस टाइप का डिबग कार्ड, यूनिवर्सल पोस्ट कार्ड यूज़ करते हो तो, अगर आप नहीं करते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी देखो, कुछ कुछ लोगों को लग रहा है कि ये रैम सही नहीं है, तो कॉशियर का एक डाल देते हैं, जो कि ये भी मेरा सही रैम। मेरे पास जितने रैम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जितने सारे रैम, प्रोसेसर वगैरह, करीब 100 से ज़्यादा रैम और प्रोसेसर है, तो ये जितने भी मेरे पास रहता है ये सारा सही है, ठीक है, एक भी ख़राब चीज़ नहीं है। तो इतना काम करने के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं रखता हूँ, कब ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए रखता हूँ। पर जितने भी सारे रैम सीपीयू मेरे पास होते हैं सब सही है, ठीक है, टेस्टिंग किया हुआ है सब। इसे पावर दिया, C1। तो इस रैम को अगर मैं दूसरे स्लॉट पे भी लगा दूँ तो भी C1 ही रो रहेगा। देखो, आपको जानना चाहिए प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसीलिए तो वीडियो दे रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम नहीं दोगे तो सीखोगे कैसे। C1 मतलब किसी भी हद तक रैम सपोर्ट नहीं हो रहा है। अभी रैम का चैप्टर मैंने बहुत सारा वीडियो में बता के रखा है कि रैम सपोर्ट क्यों नहीं करता है। तो थोड़ा सा आधा मिनट 1 मिनट का डिस्कशन कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, सीपीयू को निकालना है और सॉकेट का जो पिन से इसको एक बार चेक करो, सही लगे तो ठीक है, आप समझ जाओ सीपीयू पिन से नहीं हो रहा, और सही ना लगे तो ये नॉर्मल आँखों से आपको कभी कभार धोखा हो जाता है। तो अगर आप मैक्रो पे माइक्रो पे देखते हो, माइक्रोस्कोप पे, तो आपको पता चलता है कि सीपीयू का सॉकेट में जो पिन्स का अलाइनमेंट अगर सही नहीं रहता है तो भी हमारा रैम का एरर आता है। तो इसके ऊपर मैंने लगभग 8-10 वीडियो तो होगा ही, मैंने रैम के ऊपर दे के रखा है, अलग अलग बोर्ड पे, अलग अलग रीज़न के ऊपर। दूसरा है रैम स्लॉट का, ये जो रैम स्लॉट का एक डेटा शीट मिलता है DDR1 से लेकर DDR5 तक, ये डेटा शीट आपको होना चाहिए। अगर है तो आप चेक कर लो आराम से, कौन सा स्लॉट में, कौन सा पिन में वोल्टेज या फिर डेटा कुछ मिसिंग है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 3, रैम का एक PWIC कंट्रोलर होता है जिसके वजह से ये होता है, तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग जगह पे होता है। तो इस बोर्ड में बेसिकली इधर इधर में कुछ है, ठीक है, सीपीयू फैन के सॉकेट के पास। नंबर 4, 100 सीरीज से कुछ कुछ बोर्ड में ऐसा होता है कि PWIC से भी रैम का बीप आता है, वो IC रास्ट पढ़ने से या फिर IC का कुछ
अंदर कुछ ख़राब होने के वजह से होता है, तो इस केस में रिशोल्ड करके भी हो जाता है या फिर चेंज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो जाता है बायोस, अगर बायोस आपका रीज़न मी रीज़न बायोस का कुछ दिक्कतें है उसमें तो भी रैम का एरर आ जाता है। तो इस कुल मिलाकर ये चार पांच जगह पे आपको बस चेक करना होता है रैम रिलेटेड, अदरवाइज़ कुछ नहीं है बोर्ड में। अगर इससे इसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है तो अगर आपको प्रॉब्लम मिल नहीं रहा है प्रॉब्लम का सलूशन, तो आप समझ जाओ आपका पीसीबी में कहीं ना कहीं पर ट्रैक बान है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तो वो आपको ढूंढना होता है थोड़ा सा। तो रही बात अभी रैम ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मेरा रैम हटा देता हूँ। ये जो रैम था ये स्टारलाइट का 4GB है, ये बोर्ड के साथ था। अभी देखो इसी रैम पे डिस्प्ले आएगा। तो मेरा डिस्क्लेमर इस बोर्ड में ये था कि आप जब भी काम करो, मान के चलो आपके पास कोई बोर्ड आया है नो डिस्प्ले वाला कंडीशन पे, तो आपने डिबग कार्ड लगा के बोर्ड चेक किया, डिस्प्ले का जो इशू था वो आपने फिक्स कर दिया, अभी कोड जनरेट होना चालू हो गया बोर्ड में, अभी रैम का एरर आ गया, तो इस केस में आपका प्रॉब्लम कहाँ से आएगा वो बता रहा हूँ। और दूसरा कुछ बोर्ड आया है, मतलब कोई भी बोर्ड आया है, VRM सेक्शन में शॉर्ट है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, आपने VRM सेक्शन को सही किया फिर डिबग कार्ड डाला, रैम का एरर आ रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो PCI एक्सप्रेस मतलब मिनी PCI होता है, ये छोटा वाला, ये मिनी PCI में कभी कभार हमारा ये जो पोस्ट कार्ड होता है ये सपोर्ट नहीं करता है, पर हर बोर्ड में ही करता है, गीगाबाइट का हर बोर्ड में करता है, पर कभी कभार क्या होता है इस स्लॉट से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंपोनेंट शॉर्ट रहता है या फिर वोल्टेज का कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ये रैम का एरर आता है। तो आपने अगर कार्ड के साथ चेक कर रहे हो, कुछ अलग प्रॉब्लम था उसको फिक्स किया, अभी कार्ड लगा के ऐसे चेक कर रहे हो तो डिस्प्ले आता है, कोड जनरेट होता है कि नहीं ये तो आपको देखना है। आपने बोर्ड नो पावर था रेडी किया, पावर लाया, बोर्ड ऑन हुआ, ऐसे ऑन हुआ, बोर्ड चल रहा है, पर आपने तो डिबग कार्ड लगा के रखा है, जाके फिर C1 पे आ रहा है बार बार। आपको दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये जो C1 का रैम का एरर कोड ये इसी कार्ड के वजह से आ रहा है। अभी देखो ये दोनों कार्ड में लगाता हूँ, अभी ये कार्ड भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी डालते हैं तो कोड जनरेट होगा, C1 आएगा। अभी मैजिक देखो, ये कार्ड हटा दिया, कुछ भी नहीं किया, बस बोर्ड को पावर दूंगा, कार्ड हटा दिया, फिर से पावर दिया, ट्रिगर दिया, अभी ये बार्जर पे फॉलो करो, बीप करेगा डिस्प्ले का, ये देखो डिस्प्ले का बीप आया है, ये देखो डिस्प्ले भी आ गया, एक सेकंड दिखाते हैं, अभी भी मॉनिटर पे मेरा आया नहीं, एक बार रिस्टार्ट करेंगे, फिर से देखो यहाँ पर बीप आएगा, ये देखो बीप आया, ये देखो डिस्प्ले आ गया, ठीक है, इसी बोर्ड चल रहा है। अभी देखो ऑफ कर दिया, कोई भी एक डिबग कार्ड में डाल दूंगा मिनी PCI पे, पावर दिया, ट्रिगर दिया, C1 पे बीप करेगा रैम का, देखो C1 पे रैम का बीप करेगा। तो ये जो वीडियो अभी मैंने प्रोवाइड किया या फिर कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो इसका कदर समझते हो उनके पास, और बाकी क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि आपको इतना इस वीडियो में मैं होता तो क्या सीखता, मैं होता आपके जगह पे तो इस वीडियो से मैं कितना नॉलेज लेता मैं बताता हूँ, क्योंकि कभी कभार हमें विदाउट डिबग कार्ड पे भी बोर्ड को चेक करना होता है, अगर कुछ अलग प्रॉब्लम के साथ आता है नो डिस्प्ले या फिर नो पावर, अगर रैम का एरर आ रहा है, तो एक बार जो भूल मैं बार बार कर रहा हूँ, डिबग कार्ड लगा के ही मैं चेक कर रहा हूँ, आप ऐसे केस में सारा बोर्ड प्रॉपर डायग्राम के साथ चेकआउट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको मतलब आप ढूंढ नहीं पाएंगे कोई भी प्रॉब्लम कि भाई रैम क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो रैम ये सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये डिबग कार्ड
का जो 8 पिन जाता है ये बहुत सारा जगह से होके ये आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं पे ये शॉर्ट हो रहा है। अभी ये शॉर्ट आप चाहोगे भी तो ये आप मतलब ढूंढ नहीं पाओगे। कुछ कुछ केस होता है जो अनकही जो होता है वैसा हो जाता है, मतलब मिलता नहीं है। अभी देखो डिबग कार्ड हटा दिया, फिर से पावर दिया बोर्ड पे, देखो ये देखो डिस्प्ले का बीप दिया है और ये देखो डिस्प्ले आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, ये ऐसा केस मेरे पास महीने भर, हफ्ते नहीं कहूँगा, महीने भर एक दो आ जाता है। तो मैं काम करता हूँ कुछ हो जाता है कुछ, मतलब डिबग कार्ड लगा के अगर रैम का बीप आता है तो आप ऑब्वियसली एक बार डिबग कार्ड पोस्ट कार्ड को रिमूव करके चेक करें, क्योंकि आप तो पता ही नहीं है कि इससे ऐसा प्रॉब्लम होता है। आप तो लगा के ही चेक करोगे, और लगा के अगर चेक करोगे तो बोर्ड आप डेफिनेटली 200% ख़राब करके ही छोड़ोगे। मतलब प्रॉब्लम तो कहीं पर नहीं है, आप अच्छे किसी जगह पे मतलब फिक्स करने को ट्राई करोगे, मतलब जो जगह पे प्रॉब्लम नहीं है उसी जगह पे आप मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, मतलब सही करने के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। आप इधर उधर रैम कंट्रोलर आईसी चेंज करोगे, सीपीयू सॉकेट बार बार क्लीन करोगे, कोर आईसी बदल दोगे, बायोस को 3-4 बार रिप्रोग्राम कर दोगे, पर रैम का जो बीप एरर कोड ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है यहाँ से। अभी इसका कोई सलूशन नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा हूँ। अगर कभी भी सलूशन मिलता है, क्योंकि ये फर्स्ट केस नहीं है मेरे पास, ये जो बोर्ड है फर्स्ट केस नहीं है कि ऐसा डाल के रैम नहीं ले रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा महीने में 2-3 आता है, मैंने पहले ही कहा, तो इसका मैं अभी तक सलूशन निकाल नहीं पाया। अभी इसी कार्ड को अगर हम यहाँ पर TPM पोर्ट पर लगा देंगे, ये देखो TPM पोर्ट पर लगाया, तो थोड़ा सा CPU हटा के दिखाता हूँ, नहीं तो ये फैन मेरे गोद पे गिर जाएगा। अभी CPU हटा दिया, ये देखो डिबग कार्ड को थोड़ा सा फॉलो करो, अभी देखो इसमें डिस्प्ले आएगा कोड के साथ, ये देखो कोड वेरिएशन हो रहा है, बीप करेगा, देखो बीप किया, डिस्प्ले भी आ गया मेरे सामने मॉनिटर पे। तो ऑफ कर देता हूँ, फैन नहीं है। तो इस स्लॉट में जो TPM स्लॉट है इससे अगर लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा। अगर मिनी PCI में या फिर PCI एक्सप्रेस पे भी हम डालेंगे तो भी हमारा रैम का ही एरर कोड आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है, किसी किसी लोगों को लग रहा है छोटा सा नॉलेज है, पर ये बहुत बड़ा है। कभी भी प्रॉब्लम में पड़ो तो ऐसा एक बार ट्राई कर लेना, एक बार कार्ड को रिमूव करके देख लेना। अगर कोई अदर इशू नहीं है बोर्ड में तो ये कार्ड से बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है मदरबोर्ड में, ये जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।